अपराध अपराध हमारी आन बान शान के प्रतीक तिरंगे के अपमान करने का। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे कुलपति औलख। कार्यक्रम में जब वक्त आया ध्वजारोहण का, औलख साहब रोबीले अंदाज में मंच की तरफ बढ़ चले। उनके साथ उनके सहयोगी भी थे, मगर औलख साहब अपनी मदमस्त चाल में इस कदर डूबे थे कि उन्हें भारत माता की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा भी नजर नहीं आया। एक बार नीचे देखा भी, मगर जैसे उनकी आंखों पर रौब और ठसक का पर्दा पड़ा हुआ हो। तिरंगा तब भी नजर नहीं आया, और अगर नजर आया भी तो परवाह नहीं की। रौंद डाला हिंदुस्तान का सम्मान अपने जूतों के नीचे, तिरंगे के ऊपर से अपने चमचमाते हुए महंगे जूतों को गुजार डाला। आप एक बार फिर से देखिए, जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। औलख साहब ने अपने जूतों के तले देश के सम्मान को रौंद डाला। मगर जब समाचार प्लस ने औलख साहब से इस बारे में सवाल पूछा, तो साहब ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर, झंडे वाले मसले में बोल देंगे कुछ? नहीं, उसकी इंक्वायरी चल रही है तो उसको अभी एक बात हम और बता दें आपको, ये वीडियो साल 2012 यानी पिछले साल का है। 26 जनवरी 2012 यानी तब का है जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। अब सवाल ये है कि तब ये वीडियो सामने क्यों नहीं आ पाया? सामने आया था, मगर दबा दिया गया था। सरकार में बैठे असरदार लोगों को इसके बारे में अच्छे से मालूम था, मगर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक डॉक्टर मिल्खा सिंह औलख साहब मस्ती से कुलपति पद का सुख ले रहे हैं। पूछे जाने पर साथ काम करने वाले शिक्षकों और स्टाफ पर आरोप मढ़ने से भी गुरेज नहीं करते। यहाँ का जो माहौल है खराब कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, बच्चों को हड़ताल कराने के लिए उत्साह कर रहे हैं, उनको बाहर बुलाते हैं, उनके हॉस्टल में जाते हैं, उनको अपने पास बुला के उनको उल्टा पढ़ाते हैं कि आप पूरा यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर रहे हैं। और जो उन्होंने नारेबाजी भी करते हैं, जो बयान देते हैं, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। मगर समाचार प्लस कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहा है। हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगे का अपमान हम हिंदुस्तानी क्यों बर्दाश्त करें? कुलपति औलख ने तिरंगे के अपमान पर माफी क्यों नहीं मांगी? उस वक्त की मायावती सरकार ने तिरंगे का अपमान करने वाले डॉक्टर औलख के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? तब किसके इशारे पर इस शर्मनाक मामले को दबा दिया गया था? कुलपति कह रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है। आखिर कौन कर रहा है जांच और कहां तक पहुंची है ये जांच? 26 जनवरी 2012 से लेकर अब तक करीब 14 महीनों का वक्त बीत गया, कुलपति औलख अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? एक साल से ज्यादा की अखिलेश सरकार ने भी कुलपति औलख के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद कुलपति मिल्खा सिंह औलख के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार कुलपति औलख को उनके पद से हटाने की हिम्मत दिखा पाएगी? और
तिरंगे का अपमान करने वाले कुलपति औलख जी अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा पाएंगे। सुधांशु अग्रवाल के साथ साबिर खान, बांदा, समाचार प्लस। ये वाकई बेहद शर्मनाक है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी भी हैं। अतुल जी, और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी मौजूद हैं। आप मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। जी धन्यवाद मंत्री जी। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से बुंदेलखंड के बांदा स्थित मान्यवर श्री काशीराम जी विश्वविद्यालय के कुलपति मिल्खा सिंह औलख तिरंगे झंडे को अपने पांव तले रौंद डालते हैं 26 जनवरी 2012 को जब मायावती मुख्यमंत्री थी और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये तस्वीरें समाचार प्लस के पास एक्सक्लूसिवली हैं, आप क्या कहेंगे मंत्री जी? देखिए, जो राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं कर सकता और खासतौर से ऐसे पर्व पर जब हर व्यक्ति के मन में चाहे पूरे वर्ष भर ना भी हो और ये भावनाएं आती हैं कि शहीदों ने किस तरह देश को आजाद कराया जी, उस दिन अगर राष्ट्रध्वज का कोई अपमान करता है तो ये अक्षम्य अपराध है जी, निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए जी। और जिसके जिम्मे बच्चों को संस्कारित करने का जिम्मा है जी, राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का जिसके जिम्मे जिम्मा है जी, वही अगर खुद इस तरीके की लापरवाही नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य करेगा जी, तो ये तो बहुत बुरी बात है और इसका दंड मिलना चाहिए जी। 26 जनवरी 2012 से लेकर अब अखिलेश जी की सरकार को आप लोगों को मंत्री बने चौधरी जी, 14 महीने बीत गए, आखिर हम कितना इंतजार और करेंगे? और ये बात मुझे बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये बात संज्ञान में आनी चाहिए जी। अब अखिलेश यादव जी या इनकी सरकार के लोग वो उस फुटेज को तो अपने पास नहीं रखते जो एक्सक्लूसिवली आपके पास है जी जी जी, तो इसलिए 14 महीने का हिसाब उनसे मांगना ठीक नहीं है क्योंकि ये चीजें संज्ञान में भी आनी चाहिए जी। अब समाचार प्लस पर खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मंत्री जी, अब क्या कोई कार्रवाई होगी? जी, आज आप दिखा रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा जी। मंत्री जी, एक चीज बहुत बड़ी है कि इतने बड़े प्रदेश में एक कुलपति जो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो अभी तक मुख्यमंत्री बना हुआ है तिरंगे, अभी तक कुलपति बना हुआ है तिरंगे को रौंदने के बाद, कब कार्रवाई होगी मंत्री जी? देखिए, ये बात अलग है, विश्वविद्यालय के कुलपति महामहिम राज्यपाल जी अपॉइंट करते हैं जी, और दूसरे हमारे जिम्मे इस सरकार ने अपने स्थापना काल से ही तय कर दिया कि हम द्वेष के कारण और राजनीतिक विद्वेष के कारण कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। किसने अपॉइंट किया या किसके कार्यकाल में अपॉइंट हुए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई भी व्यक्ति हो जी, वो कर क्या रहा है ये महत्वपूर्ण जी। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी मंत्री जी? आखिरी सवाल, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता डीके सिंह साहब। सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू सिंह साहब। बुंदेलखंड के बांदा में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय अपने पैरों तले तिरंगे झंडे को कुचल देते हैं, क्या ये भारतीय दंड संहिता के तहत ये अपराध है? ये बिल्कुल अपराध है, एक एक्ट है जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट जी, और इसके अंतर्गत अगर कोई आदमी नेशनल फ्लैग का अपमान करता है, उसको डिसफिगर करता है, डिस्ट्रॉय करता है जी, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है और सजा 3 साल तक की है जी, विद टाइम जी। समाचार प्लस जो तस्वीरें लगातार दिखा रहा है, हम ये साबित कर रहे हैं कि किस तरह से तिरंगे झंडे और अशोक चक्र को अपने पैरों तले कुलपति मिल्खा सिंह औलख ने रौंदा है, अब इनको सजा दिलाने के लिए इनके इनके इस कृत्य को पहले तो आपके मुताबिक अपराध की श्रेणी में हम मानते हैं, अब इनको सजा दिलाने का प्रावधान क्या होना चाहिए? नहीं, दो चीजें हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें अगर ये बात सही है तो कोई भी नागरिक जाकर के इसकी सूचना पुलिस थाने को दे सकते हैं जी, और पुलिस को उसमें उस इस एक्ट के अंदर जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जी, उसके अंतर्गत पुलिस को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी जी, और उस कार्रवाई के में जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल तक का है
जी, तो उनको बिल्कुल सजा मिल सकती है अगर उन्होंने ऐसा किया है। जी, तीन साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन जैसा हमने सुना है कि जो तीन साल और उसके साथ फाइन भी। अच्छा, जो हमने सुना है कि तीन साल से या तीन साल से कम या तीन साल तक की सजा का जो प्रावधान होने वाले अपराध हैं, उनमें थाने से ही जमानत हो जाती है और ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता, इस पर आपकी जमानत होना एक अलग बात है, अपराध तो वही, वो आदमी उस पोस्ट पे रहने के काबिल नहीं है अगर वो वाइस चांसलर है किसी यूनिवर्सिटी का। जी, जहाँ विद्यार्थियों का उसका काम है कि भाई एक मॉडल के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा दे, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करने की शिक्षा दे, वो आदमी खुद ही अगर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है जी, तो आदमी उस पोस्ट के ही लायक नहीं है। और ये तीन साल की अगर उनको सजा हो जाती है तो फिर फ्यूचर में भी किसी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। जी, वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और इस वक्त हमारे साथ यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद भाई नरेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद अग्रवाल साहब। समाचार प्लस पर लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित मान्यवर कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मिल्खा सिंह औलक तिरंगे झंडे को अपने जूतों तले कुचल रहे हैं, बावजूद इसके वो कुलपति बने हुए हैं, 14 महीनों से ये कुलपति बने हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो उनका कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है जी, और ऐसे कुलपति के खिलाफ तुरंत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जी। अभी तक सरकार के संज्ञान में नहीं आया है जी, लेकिन अगर समाचार प्लस सरकार के संज्ञान में आई तो उसको धन्यवाद जी। और मैं तो सरकार से जो अधिकारी जिम्मेदार है उससे कहूंगा जी, इसको गंभीरता से ले और तुरंत कार्रवाई करें जी। 26 जनवरी 2012 का यह मामला है, बुंदेलखंड के बांदा में मान्यवर कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय मायावती के शासनकाल में बना, प्रोफेसर मिल्खा सिंह औलक उसके फाउंडर मेंबर्स हैं, और उसके बावजूद और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि साहब इस मामले की जांच हो रही है। अरे, आपने खुद तिरंगा अपने जूतों तले रौंदा, अब जांच क्या हो रही है इस पर? नहीं, अभी तक ये शासन का संज्ञान नहीं आया था, हम किसी का संज्ञान नहीं आया था जी। मैं इसी बारे आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, आप संज्ञान में लाए हैं जी जी। लेकिन अब शासन जिस समय, उस समय तो वो शासन था जी, जिसको मुगलिया तानाशाही का शासन कहते थे जी, लेकिन अब जनता का शासन आया और आप विश्वास रखिए इसको तुरंत कार्रवाई होगी जी। तो कब तक हम भाई नरेश अग्रवाल जी माने, कब तक कार्रवाई हो जाएगी इस पर? अब आप संज्ञान में ले आए, हमारी सरकार में ऐसे मामलों में जल्दी कार्रवाई होती है जी, और जल्दी ही कार्रवाई होगी जी। बांदा के विधायक हैं कुंवर विवेक सिंह, आपके पुराने मित्र हैं, जब आप ऊर्जा मंत्री थे तब वो ऊर्जा राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि जब ये मामला संज्ञान में आया था तभी हमने इस पर प्रदेश की सरकार को लिखा था, हमने नारेबाजी की थी, विधानसभा में मामला उठाया था, लेकिन मायावती सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, तो वो तो उस सरकार को तो हम तो कहेंगे वो तो तानाशाह सल्तनत की सरकार थी जी, लेकिन भाई ये सिंह से कहूंगा आप इसको दोबारा फिर से उठाएं जी, क्रांतिकारी है इसे मामले उठाते रहे जी, तो फिर उठाएं विवेक सिंह जी, मैं तुमको धन्यवाद अदा करूंगा विवेक सिंह का जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश अग्रवाल जी, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी नेता हैं, बहुत धन्यवाद। समाचार प्रस्त से साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई जरूर होगी, बहुत शुक्रिया आपका भाई नरेश अग्रवाल। धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता श्री सुधीन्द्र भदौरिया साहब जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। कि एक प्रोफेसर मिल्खा सिंह हैं, उन्होंने अपने जूतों तले गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा झंडे को रौंद डाला और अभी तक वो कुलपति बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, इस पर आपके रिएक्शन चाहूंगा भाई साहब। ये न्याय की निंदनीय घटना है जी, ये हमारे संविधान और लोकतंत्र, क्योंकि जो हम लोग गणतंत्र हैं ये संविधान के द्वारा हमको मिला है जी, उसका अपमान है जी। दूसरी चीज में ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे भी जनरली तौर पर एक कानून व्यवस्था के हालात खराब होती चली जा रही है, आप रोज देख रहे हैं कि कहीं बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, कहीं हत्याएं बढ़ रही हैं, कहीं कम्युनल राइट्स हो रहे हैं जी, सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उसी तरह से शिक्षण संस्थानों में हमने इलाहाबाद में देखा, हमने बनारस में देखा, अब हम देख रहे हैं बांदा के अंदर भी इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इससे ये पता चलता है कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भी कोई मर्यादाएं, कोई कानून व्यवस्था नहीं बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर
असफल हो रही है, मैं ये कह सकता हूँ। और हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के सभी साधारण सदस्य इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं। जी, क्या ऐसे ऐसे प्रोफेसर को तुरंत उनके पद से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए जिन्होंने जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया? ये तो राष्ट्रद्रोह जैसा है।